तो आपने पूरा एक ही बार में जितवा दिया, एक ही बार में जिताया था, क्या एक ही करें। बार में जितवा दिया। अच्छा ये बताइए 2024 में आलू का आपको कैसा भविष्य देखा दिखाई दे रहा है? पैकेट कितने रुपए तक बिक सकता है? 100 स्क्वायर महंगा रहे हैं लगभग, आप अपना आंकड़ा बताइए, क्योंकि सभी का अपना अपना हम आंकड़ा तो हजार के ऊपर का सोच रहे हैं इस टाइम का। और हमें भी ऐसा लग रहा है क्योंकि आलू यदि यहाँ खेत में है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आयुष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरी खेती मेरा तरीका। मैं इस समय हूँ सौरिक क्षेत्र में, यहाँ से हम आपको आलू का नज़ारा दिखाने आए हैं। पीछे कंचन खुदी पड़ी हुई है, लाल कंचन सौरिक क्षेत्र में, और मौसम का हाल देख सकते हैं उधर ऊपर बादल है। और मैं सही और सटीक दिखाने के लिए बारिश में आ चुका हूँ। आप तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये हालैंड आलू है, और इसकी स्थिति आप देखिए, हालैंड आलू यहाँ पर अच्छा निकल रहा है। यहाँ के जो किसान भाई हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ का औसतन एवरेज क्या निकला है, क्योंकि वहाँ का आलू खुद चुका है, उधर ट्राली लोड हो रही है, उसमें पन्नी पड़ रही है, और ये आलू जो है ये कोल्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ की इधर भी पीछे है, यहाँ की स्थिति देखिए आप, और इधर मौसम बहुत ख़राब है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले बारिश हो चुकी है, ये आलू भीग गया है। 2024 में आलू का क्या भविष्य रहने वाला है इस पर अभी कोई विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आलू लगा हुआ है सारा कोल्ड में जाने वाला है, ये पैकेट भींग चुका है। और कोल्ड में जाने से पहले यदि आलू भींग जाता है तो कोल्ड में कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर करता है आलू, मतलब कोल्ड में जाने से पहले सूखा जाता है तो आपका आलू जैसा अच्छा निकलता है, यदि वो भीग जाता है तो कहीं ना कहीं फिर इसमें जो दवाई लगाई जाती है कोल्ड में, तो इसकी वजह से यहाँ पर स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर चलो किसान भैया आए, इस बार क्या पैदावार दिखाई दे रही है? पैदावार इस बार कम आए। तो लगभग क्या मतलब इसके स्थिति निकली होगी, कितना लगभग बीघा निकल रहा है? 40-45 बीघा निकल रहा है। तो अभी वो भैया उधर ट्राली एक लोड कर रहे हैं, उसका क्या औसत होगा? उसका औसत वही है 50 के रुपए में कंचन आलू है। कंचन है और ये जो खेत में ये हमारा आइलैंड है, आइलैंड आलू है, तो इसमें आलू ज्यादा खराब तो नहीं निकल रहा? खराब तो नहीं निकल रहा है इस टाइम। तो ये आलू भीग गया भैया, कोल्ड में ले जाएंगे, कहीं खराब होने की संभावना तो नहीं है? बारिश हो गई है सुबह सुबह, वो तो कुदरत जाने अब खराब होगा या अच्छा। जब आपने कल सुबह खोदा था तब आपको नहीं लग रहा होगा कि बारिश होगी? तब नहीं लग रहा था हमें, बारिश मौसम एकदम साफ था, एकदम बढ़िया था बिल्कुल। तो आपने पूरा एक ही बार में जितवा दिया, एक ही बार में जिताया था, क्या एक ही बार में जितवा दिया। अच्छा ये बताइए 2024 में आलू का आपको कैसा भविष्य देखा दिखाई दे रहा है? पैकेट कितने रुपए तक बिक सकता है? 100 स्क्वायर महंगा रहे हैं लगभग। आप अपना आंकड़ा बताइए, क्योंकि सभी का अपना अपना आंकड़ा। हम तो हजार के ऊपर का सोच रहे हैं इस टाइम का। और हमें भी ऐसा लग रहा है क्योंकि आलू यदि यहाँ खेत में है, बारिश कहीं अधिक हो जाए तो आलू हमें लगता है कहीं खेत में ही न रह जाए, खेत में रह जाएगा। सोचेंगे तो ये कि सारा आलू अपना लेकर के कहीं रखते हैं जाकर लगा। भैया देखो कहीं ना कहीं भैया के चेहरे पे मुस्कुराहट है। और ये भी बता दें, अगर मुकेश अंबानी संगाती होते और खेत में इतना पड़ा होता उनका, तो वो परेशान हो जाते हैं। किसान की पूरी फसल, 4 महीने की मेहनत, पड़े होने के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, क्योंकि वो प्रकृति उसका सहयोग नहीं कर रही है, वो फिर भी मुस्कुरा रहा है। क्या करें, किसान की क्षमता है भैया, किसान के अलावा किसी की क्षमता नहीं है। उसका सोना भी है खेत में ही है, मिट्टी है तो है, जो कुछ भी है सब खेत में खुले में पड़ा रहता है, वो फिर भी मुस्कुराता है। ऐसा किसान है तो किसान का सभी को सपोर्ट करना चाहिए। दिल कितना होना चाहिए, फिर भी हमारी किसान यूनियन की वो नहीं है।